जी दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कोरोना से रुक गया था, जो कि 2021 में जो है प्रतियोगिता जारी है। इस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में, जी हाँ, आज ही के दिन 28 जुलाई को भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीत दर्ज की। सिंधु ने महिला एकल इवेंट के ग्रुप चरण मुकाबले में काम देगा, करेंट अफेयर में खासकर काम देगा। मुकाबले में हांगकांग की चेउंग गानी ई को एक तरफा मुकाबले में एक से, जी हाँ दोस्तों, 2-0 से हराया। सिंधु ने 35 मिनट तक चले इस मुकाबले में चेउंग को 21-9 और 21-16 से मात दे दी, यानी 21-9 और 21-16 से मात दे दी। इस प्रकार दोस्तों पीवी संधू जो भारतीय खिलाड़ी हैं, हमारे भारत का नाम रोशन किया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, एक और करंट अफेयर आज करेंगे। भारतीय महिला बॉक्सर पूजा रानी ने 75 की ग्रह वर्ग में आलरिया की इचरक चाइप को अंतिम 16 में मरा दी है, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है पूजा को मेडल का दावेदार बनने के लिए। अब बस एक और कदम बाकी है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप करंट अफेयर याद करेंगे, पी वी सिंधु और पूजा जो है रानी जो है भारतीय खिलाड़ी हमारे आगे जा रहे हैं, ठीक है। और एक बार और बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर, भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तित्व तीरंदाजी इवेंट के पहले राउंड में भूटान की कर्मा को 6-0 जबकि राउंड 16 में यूएसए की जूनियर फर्नांडिस को 6-4 से मात देकर अगले दौर में पहुंच गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्त पी वी सिंधु और पूजा रानी और अन्य दीपिका कुमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आप सभी दोस्तों करंट अफेयर याद हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों।